Hey guys, once again, welcome to Shyama's Makeover Channel. कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से बोर हो गए हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों नहीं भाई ये इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को दिखाया जाए। सो गाइज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ ही टाइम पहले दिसंबर में मैंने जस्ट अपना आई बॉट माई ओन हाउस। सो बेसिकली ये वीडियो है आज वॉलपेपर के ऊपर, द ब्यूटिफुल 3D वॉलपेपर फॉर वॉल्स, ब्यूटिफुल वॉलपेपर फॉर लिविंग रूम एंड वॉलपेपर फॉर बेडरूम। जी हाँ, आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये वॉलपेपर कहाँ से लिया, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि काफ़ी सारे फॉलोअर्स ने मुझे ये मैसेज किया स्पेशली कि मैम आप प्लीज़ अपने बिफोर एंड आफ्टर का वीडियो बनाइए और दिखाइए कि ये घर कैसा था बिफोर। जैसे देख सकते हैं, येस दिस इज लिविंग रूम बिफोर लिविंग रूम एंड दिस वन इज आफ्टर। यस गाइस, इस पूरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि बिफोर एंड आफ्टर मेरा लिविंग रूम एंड मेरा बेडरूम कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। यू कैन सी दिस वॉलपेपर। यस गाइस, सो दिस वन इज़ अ लिविंग रूम वॉलपेपर। ये 3D वॉलपेपर है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं बता नहीं सकती, 4 दिन बैठ के PDF फाइल चेक करने के बाद फाइनली आई सेलेक्टेड दिस वॉलपेपर फॉर माई लिविंग रूम। एंड हाईली रिकमेंडेड यू ऑल ऑफ यू कि कभी भी लाइफ में अगर वॉलपेपर लगवाना हो तो चीत इम्पैक्ट से ही लगवाना। यू कैन सी दिस वन बिफोर माई बेडरूम। जी हाँ, कुछ ऐसा था, आप देख सकते हैं। आई तो रियली डोंट लाइक दिस कलर, दिस ऑरेंज कलर, दिस काइंड ऑफ ऑरेंज कलर। एंड देन यू कैन सी दिस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, है ना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। गाइस, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, दिस इज़ माई बेडरूम वॉलपेपर, जो मैं पहले भी वीडियो बनाया के अपलोड कर चुकी हूँ, बट स्टिल मुझे आज लगा कि अपने रूम का वॉलपेपर का वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे होता है कि आप लोग सोचते हो कि हमें वॉलपेपर लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए, बट कन्फ्यूज होते हो। पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि येस, आप लोगों को वॉलपेपर लगाना चाहिए, बिकॉज यू नो वॉलपेपर से जो है ना आपका पूरा रूम जो है ना बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कैन यू इमेजिन, इसका बिफोर आपने देखा ही है। सो ये मेरे बेडरूम का जो बिफोर था, ये आफ्टर, ओ माई गॉड। और ये जो देख रहे हो ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्यों मैं आपको दिखा रही हूँ, एक पिलर है। कैन यू सी दैट पिलर? वो पिलर दिख भी नहीं रहा होगा आपको, वो पिलर बिल्कुल भी नहीं दिख सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि यहाँ पे पिलर था। ये उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से लगाया है, पिलर को बिल्कुल कवर कर दिया। और आप देख सकते हैं उस फिश को, ऐसा लग रहा है जैसे कि बाहर ही है ना। सीरियसली, लाइक बहुत ही उभर के दिखता है ये वाला वॉलपेपर। और बताना चाहती हूँ गाइस कि जो वॉलपेपर है ये इजीली आपका 8 से 9 साल आराम से चलता है। जी हाँ, जीत इम्पैक्ट ने मुझे स्पेशल बोला था कि मैम आपका ये वॉलपेपर जो है 8 to 9 years हंस के आराम से चलने वाला है, तो डोंट वेरी अबाउट इट। तो क्यों नहीं भाई, लॉकडाउन के बाद ज़रूर अपने वॉल को चेंज कराइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। वैसे भी बोर हो गए ना आप घर में, थोड़ा चेंज ऑफ माइंड हो जाएगा, चेंज ऑफ मूड हो जाने वाला है, राइट। और मैं बताना चाहती हूँ कि गाइस, आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट्स करना। अगर आप कमेंट्स करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है। लाइक कर देना भाई इस वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ, सो दैट मोर पीपल कैन वॉच एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। जी हाँ गाइस, आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत 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 बिग 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 थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, सी यू वेरी सून, बाय।